क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉगिन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियाँ यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने जा रहे हैं। skbmarket.in, शॉपिंग सुकून के साथ। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं मुस्कान असमानी और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। खबर नवादा से है, जहां तमिलनाडु मामले में भूमिहार एकता मंच के लोग यूट्यूबर मनीष कश्यप की गिरफ्तारी के विरोध में सड़क पर उतरे और नवादा के प्रजातंत्र चौक को घंटों जाम कर टायर में आग लगाकर विरोध प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारे भी लगाए। बता दें कि इनकी मांग है कि यूट्यूबर मनीष कश्यप के मामले में निष्पक्ष जांच की जाए। हालांकि अभी तक व्यापक तौर पर नवादा में बंद का असर नहीं देखा जा रहा। सब गिरफ्तार हुआ, उसके विरोध में हम लोग रोड जाम किए। कितना देरी से रोड जाम किए? हम लोग करीबन 1.5 घंटा 2 घंटा से रोड जाम किए। क्या नाम? मनीष कश्यप को गिरफ्तार कर लिया गया है तो इसीलिए रोड जाम कर दिया गया है। उनका अभी तक कोई जून का पता नहीं चला। मांग क्या आप लोग का? मांग यही है कि उनको जल्द से जल्द उनका जो जुर्म है जांच किया जाए और उनको जेल से बाहर किया जाए। और मजदूरी के लिए जो बाहर काम कर रहे हैं उनकी आवाज को आवाज तक पहुंचाने का कार्य, ये बात सरकार को चुभने लगा कि हमारा जो कमी है उसका उजागर कर रहा मनीष कश्यप। सारे जनता निष्पक्ष CBI से जांच हो और इनकी सच्चाई को दबाने के लिए सरकार जो ऐसा किया है तो हम लोग तेजस्वी यादव जी या हमारे जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी, मैं उनसे आग्रह करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि पत्रकारिता में मनीष जी का गरीबों की आवाज़ जो है सो बहुत अच्छे तरह से बुलंद। उनके समर्थन में आज सड़क पर उतरा है, आज उन पर गिरफ्तारी हुई है। गिरफ्तारी उनकी नहीं है, हमारे आवाज़ को गिरफ्तार किया गया है। जो हमारी आम जनता की आवाज़ है उसको गिरफ्त में लिया गया है, हम उसके विरोध में हैं। हम चाहते हैं कि जनता की आवाज़ को जो उठाने वाला व्यक्ति जो चौथा स्तंभ कहलाता है उसमें यदि किसी ने आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है, आम जनता की समस्याओं को उजागर किया है उसने, वैसे व्यक्ति को एक झूठे मुकदमे में फंसा करके बिहार सरकार ने अपनी बाबाही लूटने का काम किया है, अपनी राजनीति का वो अपना दृश्य दिखाना चाहता है। लोकतंत्र में चौथा स्तंभ है, बताइए जो आवाज ही उठा रहे उनको जेल डाला जा रहा है। नीतीश के सरकार में अफसर शाही बढ़ गया है, जाइए यहीं सहार ब्लॉक में देखिए, एक काम नहीं हो रहा है, अफसर के खिलाफ में कोई आवाज नहीं उठा रहा है। यही एक मनीष कश्यप थे जो आवाज उठाते, उनको जेल में डाल दिया गया है। जो हमारे साथ नीतीश सरकार कर रहे हैं, तेजस्वी सरकार कर रहे हैं, उसके साथ हम लोग खिलाफ हैं। ऐसा नहीं कर पटना जिला शिक्षा पदाधिकारी और प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के आदेशानुसार बिहार स्थापना दिवस के अवसर पर मसौढ़ी प्रखंड के मीरचक प्राथमिक विद्यालय में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें प्रभात फेरी बिहार दिवस के अवसर पर सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन भी किया गया, जिसके बाद इस अवसर पर बच्चों को मेडल और पठन पाठन सामग्री देकर सम्मानित भी किया गया। बिहार के गया में बिहार दिवस के मौके पर बिहार का उभरता हुआ सितारा लोक गायिका अपूर्व प्रियदर्शनी के हरिद्वार हरिहर सुब्रमण्यन स्टेडियम में संगीत प्रस्तुति देकर लोगों के बीच समा बांधा है। वहीं इस दौरान गीतों के धुन पर पूरे शहर वासियों ने भी खूब तालियां बटोरी। बता दें कि इस मौके पर सदर SDO इंद्रवीर कुमार टोन, DSP के साथ प्रशासन और पदाधिकारी के साथ साथ सामाजिक कार्यकर्ता भी मौजूद रहे।
और जब मैं धीरे धीरे कुछ अच्छा करने लग गई तो वही माँ बाप जो मुझे सपोर्ट नहीं करते थे वो मेरे एकदम पीठ पे आके खड़े हो गए कि तुम करो, तुमको जो भी करने करो, हम लोग तुम्हारे साथ हैं। तो अब मुझे अपने घर से, समाज से, सब हर किसी से मुझे पूरा सपोर्ट मिलता है। मेरे पापा मम्मी हर जगह, मैं जहाँ जाती हूँ, मैं जो भी बोलती हूँ, वो लोग मेरे साथ जाते हैं, मेरे हर चीज़ में वो सपोर्ट करते हैं। पर्दे पर भी अजमाना चाहते हैं जी? ये तो मेरा सौभाग्य होगा कि मैं अगर प्लेबैक सिंगिंग करूँ तो ये मेरा सपना है कि मैं अच्छी, एक अच्छी पार्श्व गायिका बनूँ, जैसे श्रेया घोषाल है, सोनू निगम है, ऐसा। खबर आरा से है जहां तेज रफ्तार ट्रक ने पैदल जा रहे युवक को रौंद दिया और पिता की मौके पर ही मौत हो गई, जिसके बाद आनन फानन में घायल युवक को इलाज के लिए सदर आरा में भर्ती कराया गया और मृतक युवक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए आरा सदर अस्पताल भी भेज दिया गया है। कहाँ पर घटना हुआ है? बाबुरा पुल के चीनी के पास में। अच्छा, किस गांव का मामला है ये? सबलपुर का। ये पंच भी थे का? हाँ। किस गांव में? विष्णुपुर पंचायत का पंच है, सबलपुर का पंच है, मैंने विष्णुपुर पंचायत में पकड़ा है। फसल? हाँ, मैं पापा। अच्छा, ट्रक वाला? ट्रक वाला ओवरटेक करे में मार दिया। क्या सर हो गया? ये तो पैदल रहो कि कुछ गाड़ी में से रहो? नहीं, पैदल। अच्छा, कहाँ घर पड़े? सबर। क्या नंबर है? पापा का नंबर है। उनका धक्का लाग रहे। किस जगह पर? मोटरसाइकिल बबुरा जमुना भाटा। तो लोग कैसे आ रहा था? लोग मोटरसाइकिल से ही लोग गए। अच्छा, कितना लोग जख्मी है इसमें? बाप बेटा, बाप तो खत्म हो गया, बेटा जख्मी है। राष्ट्रीय जनता दल संगठन जिला बाढ़ के द्वारा बाढ़ बाजार स्थित राजद कार्यालय में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के जयंती के उपलक्ष्य में संगोष्ठी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वही इस अवसर पर जिला अध्यक्ष महेश प्रसाद सिंह ने राम मनोहर लोहिया जी के समाजवादी एवं समता मूलक समाज की विचारधारा पर प्रकाश डालते हुए कहा कि राष्ट्रीय जनता दल राम मनोहर लोहिया की विचारधारा का अनुसरण करते आ रही है। भागलपुर सबौर में 2018 में एक केस दर्ज किया गया था, जिसमें एक नाबालिग 8 साल की लड़की अपने घर से ट्यूशन के लिए निकली थी और उसे अगवा कर उसे हवस का शिकार बनाया गया था। वही कुछ दिन बाद लड़की बेगूसराय में मिली और आप बीती बताई, जिसे विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट के पन्नालाल ने अगवा कर दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी युवक को 20 साल की कारावास की सजा सुनाई है और साथ ही आर्थिक दंड के रूप में 1,00,000 रुपये जुर्माना भी देने की बात कही है। जो सजा की बिंदु पर थी, 2018 में सबौर थाना में एक केस दर्ज हुआ था नाबालिग बच्ची के अपहरण का। बाद में अनुसंधानकर्ता द्वारा इसे उपलब्ध किया गया बेगूसराय से और उसके साथ बलात्कार की भी बात हुई थी। बच्ची ने आके न्यायालय में और बच्ची के संबंधी भी इस बात का समर्थन किए पूर्ण रूप से कि नाबालिग का अपहरण करके उसके साथ दुष्कर्म किए थे और इसी मामले में आज जो है उस। खबर सहरसा से है जहां जिले के सौर बाजार प्रखंड कार्यालय परिसर में कई आवश्यक भवन अधिनिर्मित अवस्था में पड़े हुए हैं, जिसे सरकारी कामकाज कराने के अलावा कर्मचारियों को भी काफी परेशानी होती है। वह इस मामले में बताया जा रहा है कि 1 साल पहले अर्धनिर्मित भवन का मरम्मत कार्य शुरू किया गया था, लेकिन किसी कारणवश निर्माण कार्य बंद कर दिया गया। वहीं इसको लेकर सौर बाजार प्रखंड विकास पदाधिकारी ने बताया कि जिला प्रशासन को सूचना दी गई है और तत्काल ही काम पूरा कर दिया जाएगा। आप इधर उधर भटकते रहते हैं, मंदिर पे बैठते हैं, कहीं बैठते हैं, सही जगह उसको नहीं मिल पाता है। 1 साल पूर्व में यह योजना शुरू किया गया था मरम्मती। अच्छा, लेकिन अभी तक इसका कोई अता पता नहीं है। यह बात प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय को भी बोला गया है कि भाई इस पे निगरानी करने के लिए, लेकिन अभी तक उस पे कोई तरह का जो है नहीं दिया। अच्छा, आप बता सकते हैं कि सुनने में आ रहा है कि पहले जो था प्रखंड कार्यालय में जितना भवन था सारे अधिकारी कर्मचारी लोग रहा करते थे, अब क्यों नहीं रहते हैं?
भवन ही नहीं है तो रहेगा कहाँ पे? भवन यहाँ पे जो भी है वो पेंडिंग पड़ा हुआ है, मरम्मती का अभाव में इधर उधर। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉगिन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियाँ यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने जा रहे हैं। skbmarket.in, शॉपिंग सुकून के साथ। अस्थमा हो या फिर आर्थराइटिस, डायबिटीज हो या फिर कोई और डिसऑर्डर, आपको मिलेगी सेहत से जुड़ी हर जानकारी। एक्सपर्ट्स देंगे अपनी राय। हेल्थ मंत्रा शनिवार और रविवार शाम 6 बजे सिर्फ प्राइम टीवी पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत, और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, जहां मनीष कश्यप की तमिलनाडु प्रकरण पर गिरफ्तारी के बाद मामला अब राजनीतिक रूप से तूल पकड़ता जा रहा है। यूट्यूब पर मनीष कश्यप की अनैतिक गिरफ्तारी को लेकर गुरुवार को सारे थाना क्षेत्र इलाके के बिहार शरीफ बरभीगा मुख्य सड़क मार्ग एवं हरनौत थाना क्षेत्र के फतुहाबाड़ मुख्य सड़क मार्ग को ग्रामीणों ने जाम कर दिया, और जाम कर रहे ग्रामीणों ने बताया कि राष्ट्रीय जन जन पार्टी के नेता आशुतोष कुमार के आह्वान पर 3 सूत्रीय मांगों को लेकर आज बिहार बंद किया गया है, ताकि मनीष कश्यप के मामले में निष्पक्ष जाँच हो सके। के एक पत्रकार है, उनके आय के लिए हम लोगों ने राष्ट्रीय जनजन पार्टी के बैनर तले पूरे बिहार में बंद का आह्वान आशुतोष कुमार जी के द्वारा किया गया है। कितने दिन हाल हुआ है, हर पत्रकारों के साथ ऐसा हाल हो सकता है, हर न्याय के साथ ऐसा हाल हो सकता है, इसलिए हम लोग को न्याय की मांग है, न्याय चाहिए। जिस तरह मनीष कश्यप को अपराधी की तरह मुंह झांप कर ले गया गया, उसी का हम लोग बहुत घनन अपराध हुआ है, इससे हम लोग न्याय का गुहार लगा रहे हैं। और जो तमिलनाडु ले आने के लिए बात किया गया है, वो तमिलनाडु में ही जा करके हमारे राज्य में ही उनका इंसाफ दिया जाए, हमारे कोर्ट में इंसाफ दिया जाए, इसको न्याय इंसाफ दिया जाए, अन्याय नहीं दिया जाए। खबर सहरसा से है, जहां परघट ओपी थाना क्षेत्र के पासा वार्ड नंबर 7 में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट हो गए, जिसमें एक परिवार के 8 लोग बुरी तरीके से घायल हो गए, जिन्हें आनन फानन में इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने घायलों की गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें बेहतर इलाज के लिए सहरसा रेफर कर दिया है। बस ओने से सब अल सब परिवार के मारपीट करलक, कपार आर भांग दलक, महिलों के 5-6 आदमी मारलक भीड़ के। अच्छा, ये किया जमीन के झगड़ा भेले? जमीन के झगड़ा या भले से ऊ कहे कि से नहीं एते से छे, आ ई सब कहे नहीं इतना करी छे, ऊ कहे उतना छे, ई कहे उतना छे, एकरे बकवास भेले। मामा मारपीट करके आया था, 6 आदमी गंभीर रूप से घायल है, उसको प्राइमरी इलाज करके सदर अस्पताल क्या सर स्थिति क्या बताया जा रहा है? एक आदमी का तो स्थिति थोड़ा लग रहा है सीरियस, और सभी लोग ठीक है, एक्सरे होगा उसके बाद पता चलेगा। खबर नालंदा से है, जहां तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रैक्टर ने बाइक सवार मामा भांजी को कुचल दिया। इस घटना में मामा भांजी की मौके पर ही मौत हो गई, वही इस घटना में एक युवक बाल बाल बच गया है। घटना के बाद ट्रैक्टर चालक गाड़ी समेत मौके से फरार हो गया, और इस घटना के संबंध में परिजनों ने बताया कि मामा के साथ भांजा और भांजी ननिहाल जा रहे थे, तभी शेरपुर गाँव के पास विपरीत दिशा से आ रहे अनियंत्रित ट्रैक्टर ने दोनों को कुचल दिया।
के तलवाजी सरपंच अच्छा। हम लोग को मालूम हुआ कि अनियंत्रित ट्रैक्टर ने अच्छा। बच्चे को धक्का मारे अच्छा। और वो ट्रैक्टर भागने में सफल रहे अच्छा। ट्रैक्टर जब्त हो गया कि भाग गया? नहीं नहीं, भागने में सफल रहे अच्छा। कितने लोग थे? तीन थे। क्या चीज़ से इन लोग जा रहे थे? ये मोटरसाइकिल बाइक से थे। लड़की का उम्र है 6 साल, वो स्पॉट डेट है अच्छा। और भगना भगनी भी मामू का उम्र हुआ भूषण मालाकार अच्छा। 20 साल है। खबर सहरसा से है जहां जिले के सौर बाजार प्रखंड क्षेत्र के खजूरी पंचायत अंतर्गत वार्ड नंबर 5 भगवानपुर गांव में जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। वही मारपीट के दौरान महिला समेत 4 लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए सौर बाजार के CHC में भर्ती कराया गया है। वही पूरे मामले की जानकारी पड़ोसी ने दी है। कई आदमी घायल हुआ है? 4 आदमी। 4 आदमी घायल हुआ है जी। कहाँ का मामला है? खजरी भगवानपुर, वार्ड नंबर 5। आपका क्या नाम है? रणधीर शर्मा। थाना में आवेदन दिए हैं? नहीं, अभी नहीं दिए हैं। कुछ थाना वाला बोला होगा? बोला पहले इलाज करो, उसके बाद। पहुंचा रहे थे जहां जमीनी विवाद को लेकर मारपीट हुई है, जिसकी जानकारी पड़ोसी ने पुलिस को दी है और इस दौरान महिला समेत 4 लोग घायल हुए। खबर मसौड़ी से है जहां बीते रात स्टेशन रोड स्थित श्री माता काली मंदिर में अज्ञात चोरों ने ताला तोड़कर करीब 5 लाख रुपए के जेवरात को चुरा लिया है, जिसमें माता का कमरधनी, सोने का मुकुट और सोने की चूड़ी के साथ कई जेवर लेकर वो फरार हो गए हैं। बता दें कि इन सब गहनों की कीमत तकरीबन 5 लाख रुपए बताई जा रही है। वही इस मामले में मंदिर के पुजारी ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जाँच पड़ताल में जुट गई है। चला गया ताला कार को लेके था, जेवर वगैरह चला गया, माता का पायल नदिया जी का जो भी था मुकुट वगैरह सब लेके चला गया, जो भी आप होता था सब चोरी। क्या क्या सामान ले गया है? अब होता था दिन में पायल, कमरधनी, लॉकेट, सोना का नथिया, मुकुट और वगैरह ही था। मंदिर का मूर्ति का जो है गहना वगैरह चोरी हो गया, तो यह चोरी तो आज हुआ ही, पहले भी दान पेटी जो है गुप्त दान पेटी उसका चोरी किया है, ठाकुरबाड़ी परिसर से भी चोरी करता है, और बड़ाई टोला का कोई आदमी है जो मैं जानता है इस बात को कि कौन इसमें इन्वॉल्व रहता है, आसपास के CC कैमरा को खंगाला जाए, उसको देखा जाए, और 11 बजे रात में अंतिम ताला किसने लगाया और क्या है सब पता करके फाइनली अनुसंधान करके पुलिस ये पता करे कि कौन किया है। सहरसा जिले के सौर बाजार प्रखंड क्षेत्र के सहूरिया पश्चिमी पंचायत के वार्ड नंबर 10 में अर्ध निर्मित पुल के साथ साथ सड़क मार्ग बनाने की मांग की गई है। वह स्थानीय लोगों का कहना है कि विगत 10 वर्षों से पुल अर्ध निर्मित अवस्था में पड़ा हुआ है, जिससे बाढ़ के दिनों में नदी में पानी के उफान पर आ जाने से महिला और बच्चों की नदी पार करने में काफी परेशानी हो जाती है, और सड़कों की हालत भी अच्छी नहीं है। जर्जर सड़क मार्ग की वजह से कई बार दुर्घटना भी हो चुकी है, और नदी के पार सड़क मार्ग निर्माण करने के सौर बाजार अंचलाधिकारी को आवेदन भी दिया गया है, जिससे लोग सड़क निर्माण को लेकर निजी जमीन देने के लिए तैयार है, लेकिन अंचलाधिकारी के द्वारा अब तक कोई पहल नहीं की गई है। सड़क भी नहीं है तो इसको लेकर आप लोगों को दिक्कत होता है कि नहीं होता है? दिक्कत होता है। कौन सा जगह है ये? सौरिया पश्चिमी। सौरिया पश्चिमी वार्ड नंबर? वार्ड नंबर 10 है। तो आप लोग सरकार से क्या कहना चाहते हैं? जो कि सड़क बन जाए, पुला बन जाए, चाहिए जो हम लोग को आसान सुविधा मिलेगी। हाँ। क्या नाम है आपका? वकील कुमार यादव। बिहार की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। देश भर की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए Prime TV।
देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉगिन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है, बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियाँ यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने जा रहे हैं। skbmarket.in, शॉपिंग सुकून के साथ। शक्ति की उपासना का पर्व नवरात्र, देवी की भक्ति का पर्व नवरात्र, माँ की अलग अलग दरबारों में दर्शन, माता रानी का पर्व नवरात्र, माँ के 9 रूपों का महत्व, नवरात्रि के 9 रंग प्राइम टीवी के साथ।